निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्याचं मतदान आज पार पडणार आहे. 8 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील मिळून 57 मतदारसंघांमध्ये मतदान प्रक्रिया पार पडेल. 7व्या टप्प्यामध्ये 904 उमेदवार रिंगणात आहेत. अखेरच्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये प्रत्येकी 13 जागा, पश्चिम बंगालमध्ये 9 जागा, बिहारमध्ये 8 जागा, ओडिशात 6 जागा, हिमाचल प्रदेशमध्ये 4 जागा, झारखंडमध्ये 3 जागा आणि चंदीगडमधील 1 जागेवर मतदान होणार आहे. दरम्यान आज दिग्गज नेते आपल्या मतदानाचा हक्क बजावत आहेत. भाजपचे अध्यक्ष जे पी नड्डा, यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह इतरही बड्या नेत्यांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावलाय. उत्तर भारतात तीव्र उष्णतेची लाट असल्यानं सकाळच्या सत्रात जास्तीत जास्त मतदान करण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं. और कांग्रेस पार्टी वैसे भी जब से राहुल गांधी मुख्य व्यवस्था में आए हैं कांग्रेस पार्टी की डिनायल मोड में जी रही है. सुप्रीम कोर्ट से कोई अनुकूल जजमेंट नहीं आता है तो न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देना, इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस पर सवाल खड़े कर देना. तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग चार की चार सीटें जो है वो मिलेगी. ध्यान करने गए हैं, विपक्ष लेकर सवाल उठा रहा है. मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी उस पे कुछ भी नहीं. मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं. वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं. यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे. अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है. जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता. अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता. मोदी जी अवश्य ही 400 पार में चार की चार जो है हिमाचल की सीटें. थेट जाणार आहोत आमचे प्रतिनिधी राहुल झोरी, जे स्वतः वाराणसीमध्ये आहेत. राहुल, तुम्ही स्वतः वाराणसीमध्ये आहेत, कशा प्रकारे मतदानाची ही प्रक्रिया आता सुरू आहे? प्राजक्ता, जसं की उल्लेख केल्याप्रमाणे उष्णतेची लाट मात्र नक्कीच आहे आणि आपण बघतोय की गर्दी जी आहे, एका बाजूला महिला दिसतायत, पुरुष दिसतायत. प्रत्येक मतदारसंघावर सकाळपासून हा चौथा पोलिंग बूथवर मी फिरतोय आणि प्रत्येक मतदारसंघावर अशाच रांगा, अशाच गर्दी जी आहे ती पाहायला मिळते. काही मतदारांशी देखील थेट आपण बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. वोट तो गोपनीय आहे, उसके बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन किस मुद्दे को लेकर वोट करना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ देख रहे लाइन इतना लंबा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं. गर्म से अपनी बेहाल है, फटाफट काम होना चाहिए. मुद्दा क्या, गरीबी है और क्या बेरोजगारी है. तो गर्मी किससे भी परेशान है, गर्मी से परेशान है, काम अंदर हो ही नहीं रहा, लाइन लगा हुआ पे. प्रोजेक्टर जैसे म्हणला की प्रचंड उष्णतेची लाट आहे, काही अजून देखील आहेत. मुद्दा जो होता है वोटिंग का, किसको करेंगे वो नहीं पूछेंगे, वो तो गोपनीय रहता है, लेकिन किस मुद्दे को, वाराणसी से आप मतलब वोटिंग कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज ये देखिए, पहले जो बिजली का बिल 600, 500, 400 दिया जाता था, इस समय 4000, 3500, 3200 ये सब बिल दिया जा रहा है. मकान टैक्स, पानी टैक्स, हाउस टैक्स, सब कुछ का टैक्स दुगना चौगुना हो जा रहा है. महंगाई तो है. उसके बाद पार्क, जो गरीब आदमी तो सोते थे, बैठते थे, आराम करते थे, उसमें भी 10 रुपया चार्ज लग गया है. ये सही है, आप बताइए, गरीब आदमी कहाँ जाके बैठेगा, रोड पर बैठेगा? यात्री आएंगे, 10 रुपया देंगे, उसके पास न हो तो न बैठे. रोड पर कितने मर गए, आप कभी चौरा में जाके देखिए कितने लोग मर गए, कहीं छाया न मिलने को. मेन मुद्दा यही है, कहने का मतलब बेरोजगारी है, महंगाई है और बहुत ज्यादा है, और कोई बात नहीं है, सब कुछ सही है. बाकी सब कुछ सही है, बरीच गर्दी जी आहे ती वाढत जाते, आपण अजून पण बघतोय. पण ज्या ज्या मुद्द्यावर खरं तर उष्णतेची लाट जी आहे ती अगदी मोठ्या प्रमाणात, मागच्या 3-4 दिवसांपासून इथला पारा 48-49 अगदी 50 पर्यंत गाठत होता आणि त्या टप्प्यावर अगदी सकाळच्या सत्रात, साधारण 9 वेळ झालेली आहे, सकाळच्या सत्रात मोठ्या संख्येने मतदान होते आणि याच मतदानाच्या टप्प्यामध्ये साधारण हा चौथा बूथ आहे. आपण बघतोय की घामाच्या धारा अगदी ज्या ज्या ठिकाणी ही परिस्थिती आहे. आपका फर्स्ट टाइम वोट है, एक फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए एक एक्साइटमेंट होता है, मैं किसको वोट करूंगा वो नहीं पूछूंगा, वो तो गोपनीय रहेगा, लेकिन एज अ फर्स्ट टाइम वोटर क्या लगता है आप, किस तरीके से, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे?
मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, एक्साइटेड भी थे कि कब वोट करेंगे। और मतलब हम ऐसा चाह रहे कि कोई भी मंत्री आए, कोई भी जीते, लेकिन वो मतलब एजुकेशन के पे ज्यादा फोकस करें। एज्युकेशन आणि या सगळ्यावर जास्तीत जास्त मतदान करावं असं म्हणतायत, पण एकंदरीत पहिल्यांदा वोटर असणाऱ्यांची एक्साइटमेंट असेल आणि सगळ्या भागातली असलेली उष्णतेची लाट, या दोन्हीमुळे सकाळीच सकाळी जास्तीत जास्त मतदान कसं होईल यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत। प्राजक्ता माफ करा राहुल, धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी। यासोबतच इतरही काही महत्त्वाच्या बातम्या आपण पाहणार आहोत। तुर्तास एक छोटासा ब्रेक घेऊन लगेचच परत येतोय, पाहत रहा न्यूज 18 लोकमत।